हम रास्ता भटक चुके हैं काफ़ी देर से, तो मैं रास्ते का पता कर लूँगा कि जाना किस साइड को है, और नहीं छोड़ेंगे इसी ट्रेल के सहारे सहारे जाएंगे। देख थोड़ा सा भी अगर मौसम खुल गया तो ये है वाइट कमल, और ढूंढ ही रहे हैं रास्ता लग रहा है, और फिर से बारिश शुरू हो चुकी है गाइस। अभी जस्ट छाता, तो कोशिश करते हैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा होके आगे का रास्ता। हम ना रास्ता भूल गए, घूम घाम के फिर सीधे दोबारा वहीं पे पहुँच गए। वो तो हल्का सा मौसम खुल गया तो यहीं पे रहे थे, नहीं तो फिर गाइस क्या हाल होता पता नहीं। आ जाते ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, पर यह है कि बिना कोहरे से इस तरह का बहुत बुरा हाल होता है। हमारा इधर से ऊपर से ये टॉप से फिलहाल तो इसके धीरे रास्ते में पहुंच चुके हैं हम घूम फिर के। तेरे को हम करना क्या है तेरे से, छाउन बुग्याल और नंदीकुंड वाले रास्ते में पहुंचे हैं इस साइड को, तो आगे को हमको मिलेगा नंदीकुंड वाला टॉप। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं गाइस, यहाँ भटकने के बहुत ज़्यादा उस हिसाब से जैसे कैसे रास्ते में पहुंचा। एक छोटा सा कुंड था, इस बार बहुत बड़ा कुंड हो रखा है क्योंकि बारिश का पानी ले यहाँ पे ये एक छोटा सा कुंड बना हुआ है गाइस। इस तरह का एडवेंचर करके आना पड़ रहा है, बड़ा एडवेंचर हो गया क्योंकि हमने से शुरू करा था वहीं पे पहुंच गए हम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप क्या आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं गोविंद टाकली सरयू वैली उत्तराखंड से स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एक और नए हाई माउंटेन एडवेंचर ब्लॉग में। तो गाइस हम हैं अभी नेटा पास में कल से, तो अभी हम यहां से रिटर्न हो रहे हैं कोतला टॉप के लिए। तो अभी हमारी पैकिंग चल रही है, आप देख रहे होंगे, ये देखो गाइस पूरी तरह से पैकिंग में व्यस्त है। सिर्फ बाकी हमारा टेंट निकालना बाकी है। हल्का सा मौसम रुका हुआ है क्योंकि इससे पहले काफ़ी समय से बारिश हो रही थी गाइस, सुबह के 2:30-3 बजे से कंटिन्यू बारिश थी, तो हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि न जाने मौसम का क्या हाल होता है। और टेंट अंदर से पूरा भीग चुका था, अंदर पानी आ रहा था क्योंकि ऊपर से टपक रहा है गाइस, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हमें जाना है आज कोतला टॉप में क्योंकि हम करके आ रहे हैं नामिक ग्लेशियर, पूरा नामिक ग्लेशियर का जो आप देख रहे हैं सीरीज, उसी की सीरीज में ये लास्ट है नेटा पास। तो नेटा पास में अभी थोड़ा सा मौसम खुला है, तो कुछ इस तरह का नज़ारा है गाइस, ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया वाला मस्त व्यू दिख रहा है। और फिर से यहाँ से हल्के से बादलों ने घेरना शुरू कर दिया है, तो हमें इसी बीच में से रास्ता निकालते हुए जाना है। फिलहाल टेंट निकालना बाकी है हमारा, बाकी ऑलमोस्ट पैकिंग लगभग कर चुके हैं। और जैसे ही हमारा हल्का सा टेंट सूखता है और इसकी पैकिंग होती है, तो हम यहाँ से निकलते हैं ऊपर टॉप ही निकलते हैं गाइस। आज नंदीकुंड के ही पास से होके गुजरेंगे, तो फिलहाल तो हम पैकिंग करते हैं और जैसे ही हल्का सा खुलता है तो फिर आपको बहुत खूबसूरत सुंदर सा बुग्याल दिखाते हैं। यहाँ का बहुत मस्त वाला बुग्याल है गाइस, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है यहाँ का बुग्याल, बहुत ही मस्त बुग्याल है ये, देखो मेरे मन को भा जाता है यहाँ का ये वाला बुग्याल, और शायद आपको भी बहुत बढ़िया लगेगा यहाँ का ये वाला बुग्याल का दृश्य। तो लगभग पैकिंग हो चुकी टॉप है, और मैट्रेस भी हमने सुखाने के लिए डाले हैं, ये भी भीगे हुए हैं गाइस,
पूरे भीग चुके थे कल। चलो चलते चलते मिलते हैं गाइस ऊपर टॉप तक, तब तक टेंट को निकाल लेता हूँ मैं और फिर उसके बाद चलते चलते आपको दिखाते हैं हाई माउंटेन का एडवेंचरस ब्लॉक नेटा पास टू कोटेला टॉप दिखाते हैं आपको। ऐसे देखो ऐसी हाल हो रखे है टेंट के, ये पानी देखो ऐसा पानी आ रहा है टेंट के अंदर, बहुत बुरी स्थिति हुई है। वो तो थोड़ा सा मैट्रेस ठीक ठाक था तो इस वजह से थोड़ा सा सही रहा, नहीं तो फिर पूरे पानी के अंदर ही सो रहे थे हम, ऐसा लग रहा था। हल्का सा अगर 10 मिनट भी धूप आ जाती ना, धूप भी नहीं आती, थोड़ा सा बादल हट जाता तो ये बढ़िया हो जाता गाइस, ये खुल मतलब हल्का सा सूख जाता इसको ताकि हम पैक कर सकें, इस तरह का तो हो ही जाता। पर देखते हैं, नीचे से हल्का सा उजाला टाइप का तो दिख रहा है, शायद ये उजाला यहाँ पर आ जाए ना तो ये बढ़िया से काम हो जाएगा गाइस इसका, नहीं तो फिर इसको ऐसे ही गीला ही पैक करके ले जाना पड़ेगा और फिर ऐसे ही वहाँ जाके देखेंगे कुछ होगा सुखाने का तो फिर देखेंगे, नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलाते हुए चलेंगे, क्या हो सकता है। इस तरह का था यहाँ पे हमारा रहने का और अब हम हो चुके हमारी तैयारी बढ़िया करके, तो हम चलने को तैयार हैं गाइस अब यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोतला के लिए, कोतला टॉप के लिए। तो सीधे सीधे ही निकलते हैं यहाँ से बढ़िया करके, हमारी पैकिंग सेकिंग सारा कुछ हो चुका है बढ़िया करके। और अभी फ़िलहाल जब तक मौसम थोड़ा सही है तो तब तक हम निकल लेते हैं यहाँ से, फिर चलते चलते आपको मिलते हैं पूरे हाई माउंटेन में। तो गाइस ये है नेटा पास, तो इसे लोग बोलते हैं कैलाश का धार भी बोलते हैं। तो ये है सामने में आप देख सकते हैं, ये तो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको इस साइड को है काफनी ग्लेशियर और यहाँ से सीधे राइट हैंड की तरफ है नामिक ग्लेशियर, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इधर से इस साइड को लेफ्ट साइड को है काफनी ग्लेशियर और राइट साइड को है नामिक ग्लेशियर और ये है कैलाश का धार भी बोलते हैं इसको और नेटा पास भी बोलते हैं। यानी कि ये टॉप है, यहाँ से नीचे को इधर को लग जाता है फिर सावन बुग्याल और इधर को गोड़ाबाद और क्या कहते हैं तेज पताल बंदीकरण, वो वाली एरिया लग जाती है यहाँ से। और अभी तो मौसम बंद है, नहीं तो फिर यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है आपको, यहाँ काफनी ग्लेशियर साइड का पूरा नज़ारा दिखता गाइस बहुत बढ़िया करके। पर फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि मौसम आप देख ही रहे हैं कुछ इस तरह का हो रखा है। तो अभी हम निकलते हैं इस टॉप के रास्ते ही, फिर देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, फिर कुंड होते हुए हम निकलेंगे। तो गाइज आपको हर जगह इसी तरह के कैरेन मिल जाएंगे जो रास्ते के साइन के लिए बनाए गए हैं, हर जगह आपको इन्हीं का ख्याल करते हुए चलना है। तो ये देखो कितना मस्त तरीके से बना रखा है गाइज लोगों ने इसको। तो यहाँ से
देखो पूरा भयंकर वाला सीन है गाइस, जहाँ से आगे पूरा ही चट्टान टाइप का है, चट्टान नुमा। तो हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर कोशिश करते हैं बैक साइड को जाने की, क्योंकि यहाँ से तो उतरने का कुछ है नहीं गाइस। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर वहाँ से पीछे के साइड उतरने की कोशिश करते हैं, कुंड नंदा देवी कुंड और कोचला टॉप की तरफ यहाँ से उतरने का होगा शायद, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश है गाइस, बहुत तेज़ बारिश। ये देखो क्या भयंकर वाली बारिश है, और कुछ दिख भी नहीं रहा है। यदि कुछ दिखता तो फिर हम कुछ कर भी सकते थे इधर से उधर जाने के लिए। पहली चीज तो यहाँ से आगे कुछ रास्ता साफ दिख ही नहीं रहा है। देखो यदि यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से भी वही है, थोड़ा और ऊपर जाके देखते हैं ताकि वहाँ से नीचे उतरने का कुछ तो सुरक्षित जगह हो, नहीं तो फिर ऐसे में हम यहीं भटकते रह जाएंगे। और इन चट्टानों के बीच में अभी पत्थर आने का भी बहुत ज़्यादा डर है। तो गाइस थोड़ा सा मौसम रुक चुका है, बारिश रुक चुकी है और हम रास्ता भटक चुके हैं काफ़ी देर से, एकदम टॉप टॉप ही चल रहे हैं। यहाँ से ये इस तरह का रास्ता है, ऊपर भी ये इस टॉप के ही रास्ते से आ रहे हैं हम, ये वाले टॉप से। और इधर भी खाई है, अनजान खाई है, और इधर भी अनजान खाई है। थोड़ा सा अगर मौसम थोड़ा सा खुल जाए तो मैं रास्ते का पता कर लूँगा कि जाना किस साइड को है और कहाँ तक जाना है। तो फिलहाल तो हम इस ट्रेल को नहीं छोड़ेंगे, इसी ट्रेल के सहारे सहारे जाएंगे, देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचाता है हमको। और फिर जैसे कहीं से थोड़ा सा भी अगर मौसम खुल गया तो फिर हम वहाँ से आगे निकल जाएंगे। और एक और चीज़ दिखाता हूँ गाइस आपको, ये देखो ये भी धूप है गाइस, इसको सत टक्कर बोलते हैं, लाइक कुछ कमल है, श्वेत कमल जिसको बोलते हैं, वाइट कमल। तो ये है वाइट कमल, और हम तो फंसे हैं यहीं अभी काफ़ी देर से गाइस, ढूंढ ही रहे हैं रास्ता तो रास्ता मिल नहीं रहा है, और आगे भी बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लग रहा है। और फिर से बारिश शुरू हो चुकी है गाइस, अभी जस्ट छाता मैंने अंदर डाला ही था कि बारिश होनी शुरू हो चुकी है। तो कोशिश करते हैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा होके रूट को आइडेंटिफाई करने का, रूट का पता करते हैं यहाँ से, दो मिनट रुकने के बाद फिर जाके आगे का रास्ता ढूंढते हैं। हम ना रास्ता भूल गए, घूम घाम के फिर जहाँ से हमने ट्रैक शुरू करा था, जहाँ पे कल रात रहे थे, सीधे दोबारा वहीं पे पहुँच गए। वो तो हल्का सा मौसम खुल गया तो हमें वो गुफा याद आ गई कि भाई हम तो यहीं पे रहे थे, नहीं तो फिर गाइस क्या हाल होता, पता नहीं कहाँ पहुँचते और फिर वापस तो आ जाते, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर यह है कि बहुत दूर तक जाना पड़ता हमको फिर वहाँ से वापस आते। तो यहाँ पे ना कोहरे से इस तरह का बहुत बुरा हाल होता है गाइस, बहुत बुरा ही, दिखाता हूँ आपको। ये अभी भी नीचे को इस तरह का कोहरा है, और हमारा इधर से ऊपर से ये टॉप से, और देखते हैं अभी रास्ता कहाँ ले जाता है। यार अगर थोड़ा सा कहीं पर और खुल गया तो फिर और रास्ते को और बढ़िया करके हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिलहाल तो इस घेरे में ही है गाइस। गाइस आप देख सकते हैं रास्ता भटकने का परिणाम इस तरह का एडवेंचर करके आना पड़ रहा है। देख रहे हैं ऊपर से महेश आ रहा है, बहुत बड़ा एडवेंचर हो गया क्योंकि हम ना रास्ता भूल गए,
और घूम फिर के जलेबी की तरह गोल गोल घूम गए एक ही जगह पे, और फिर वापस वहीं पे पहुंच गए हम जहाँ पे जहाँ से शुरू करा था वहीं पे पहुंच गए हम। और इस साइड को अभी भी देखो एकदम अंधेरा है, अभी भी अंधेरे में तीर मारने जैसा काम है गाइस। मैं दिखाता हूँ आपको पूरी ब्रह्म कमल की खेती, ये देखो आप पूरा उसमें ब्रह्म कमल ही ब्रह्म कमल है। ये देखो ये पूरे उसमें पूरे के पूरे उसमें आपको ब्रह्म कमल दिखेंगे। देखो ये देख रहे हैं ना, ये पूरे उसमें ब्रह्म कमल है। और इसको एक टूटा हुआ मिल गया है, तोड़ा खाया ना किसी ने। ये देखो पूरा ये गॉड्स फार्मिंग है गाइस, देवता लोगों ने खेती कर रखी है इसकी। वाह क्या बात, जमा दे उसमें। ये देखो इसको फिर से जमा दिया तो बिना जड़ का फूल जमा दिया है महेश ने, और बढ़िया करके ये है पूरी खेती ब्रह्म कमल की। तो गाइस फाइनली रास्ते में पहुंच चुके हैं हम, घूम फिर के बड़ा भयंकर वाला सीन हुआ गाइस। हाँ भाई तू भी उड़ ले उड़ ले ले उड़, तेरे का हम करना क्या है तेरे साथ। तो गाइस हम फिर से घूम घाम के शाउन बुग्याल और नंदीकुंड वाले रास्ते में पहुंचे हैं। अभी थोड़ा सा मौसम खुला हल्का सा, तो मुझे एक टॉप दिखा तो वो जगह थी शाउन बुग्याल वाली। तो अब हम आगे को निकलते हैं इस साइड को, तो आगे को हमको मिलेगा नंदीकुंड, और फिर उसके बाद जदवटेरी जतुरवटेरी, और फिर मिलेगा कोतला टॉप। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गाइस रास्ते में, तो एक बार फिर से हमको रास्ता मिल चुका है। यहाँ भटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह का ये फॉग हो रहा है ना, हाँ उस हिसाब से अच्छा खासा आदमी रास्ता भटक जाएगा इस, तो इसलिए चलो जैसे कैसे रास्ते में पहुंच चुके हैं। पिछली बार दिखाया था ना मैंने आपको हल्का सा एक छोटा सा कुंड था, इस बार बहुत बड़ा कुंड हो रखा है, क्योंकि बारिश का पानी ना बहुत ज़्यादा जमा हो रखा है, तो इसलिए यहाँ पे ये एक छोटा सा कुंड बना हुआ है गाइस। पिछली बार छोटा था, इस बार थोड़ा सा बड़ा बन गया है। गाइस एक बार फिर से एक जोरदार नारे के साथ आपका स्वागत है, नंदा मैया की जय। तो आप समझ ही गए होंगे गाइस, हम हैं अभी फिर से पवित्र और धार्मिक नंदा देवी के कुंड में, जो कोतला टॉप में है। तो और इस कुंड के बारे में गाइस मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पवित्र धार्मिक स्थल को पवित्र और धार्मिक ही रहने दें, इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की इच्छा अपने मन में न रखें, क्योंकि हम तो इधर से आते जाते हैं तो हमें दर्शन होते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवा देते हैं, और बाकी इसको हम आप सभी चाहते होंगे कि ये टूरिस्ट स्पॉट ना बने, क्योंकि यदि ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया तो गाइस इसकी पवित्रता आप देख सकते हैं क्या होगा। यहाँ पे लोग कैंप करेंगे, तरह तरह की गंदगियाँ करेंगे, तो इसकी जो पवित्रता है तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। तो इसलिए दोस्तों जो भी देख रहे हैं, तो मैं नंदा माँ से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा, आप सुखी रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और बाकी गाइस मैं अभी दिखाता हूँ आपको देवकुंड भी, अगर थोड़ा सा वहाँ मौसम खुला है तो फिर मैं देवकुंड के भी दर्शन करवाता हूँ आपको नीचे। ये तो नंदा माई का कुंड है जिसे आप पहले भी देख चुके हैं बहुत बढ़िया करके, तो ये इसी समय
मानसून के समय ही बहुत प्यारा लगता है गाइस, ये जब पूरा भर जाता है तो हम तो इसके आसपास इसके पानी को भी टच नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि इसकी सुंदर वो पवित्रता हम जैसे लोगों से नष्ट हो सकती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसके दूर दूर ही चलें। तो गाइस कभी आप आते हैं तो आप भी इसी तरह से करें और इसके नज़दीक कैंप ना करें, और साथ ही साथ इस पवित्र कुंड के जल को अपवित्र ना करें, और जो पानी वगैरह है वो इसके नीचे से निकालें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी अभी देवकुंड का थोड़ा सा मौसम खुलता है तो मैं देवकुंड भी दिखाता हूँ गाइज आपको। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ देवकुंड, देवकुंड के भी दर्शन करवाता हूँ। ये क्या मस्त, जय माता दी, जय श्री देव। तो दोस्तों यह है देवकुंड, और जस्ट इसी के नीचे है राक्षस कुंड, तो जिसके बारे में पूरी डिटेल में पहले भी बता चुका हूँ। अभी तो सिर्फ यहाँ से आ रहे थे हम नेटा पास से, तो चलते चलते इस तरह की पवित्र चीज़ों को ना दिखाएं तो फिर हमारा हाई माउंटेन में ब्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए हमने चलते चलते एक बार फिर से सोचा कि चलो माता के दर्शन करवाते हुए चलते हैं अपने सारे व्यूअर्स को। तो इसलिए मैंने कहा चलो हल्का सा एक सीन शॉट डाल देते हैं बीच में, ब्लॉग के बीच में, तो शायद आपको बहुत मज़ा आएगा गाइस, क्योंकि आप मेरे ब्लॉगों में ही आप इस तरह के धार्मिक और पवित्र चीज़ें देखने को मिलते होंगे आपको। और जहाँ कोई नहीं जाता उस जगह को हम दिखाते हैं, तो शायद आपको बहुत मज़ा भी आता होगा। कई व्यूअर्स हैं उनको बहुत मज़ा आता है, तो ये आपके लिए है एक बार फिर से। और दोस्तों पूरा, और यहाँ पर धूप बत्ती वगैरह कर सकते हैं। आज तो हम काफ़ी दूर से आ रहे हैं, पिछली बार तो हमने करा था, तो हम भगवान से माफ़ी चाहते हैं कि इस बार हमारे पास धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ भी नहीं है। बस अंतर मन से हम आपको नमन कर सकते हैं भगवान, बस इतना ही है आज हमारे पास। तो गाइस बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने नंदी कुंड को भी क्रॉस कर चुके हैं, तो अब पहुंचते हैं हम सीधे कोटेला टॉप में। फिर कोटेला टॉप में आज स्टे करते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बहुत भयंकर वाली बारिश है। ऐसे में फिर नाइनथीप और रॉक, क्या है वो, चॉकलेट रॉक की तरफ जाना बहुत मुश्किल होता है, फिसलन होती है गाइस। तो इसलिए हम आज ही रहने का प्रोग्राम बनाते हैं गाइस। चलो एक बार फिर से आपको नंदा देवी के इस पवित्र कुंड के दर्शन करवाते हैं, फिर यहाँ से विदा लेते हुए चलते हैं आगे कोटेला टॉप के लिए गाइस।